बेसिकली बेसिक्स ऑफ ग्रामर में इसको क्यों कहता हूं, अगर आप सेंटेंस करेक्शन सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आपको अगर तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉपर रिकग्निशन आती है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई देम, इफ यू कैन यूज देम प्रॉपरली एट अ प्रॉपर प्लेस, तो दैट वुड बी हाफ ऑफ योर ग्रामर। 50% आपकी जो सेंटेंस करेक्शन है, इनफैक्ट आई से समटाइम्स मोर देन 50% ऑफ जो सेंटेंस करेक्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस करती है। जिसके जितने अच्छे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी सेंटेंस करेक्शन उतनी ज्यादा अच्छी है। ये आपकी सारी ग्रामर की एक तरह से बेस बन रही होती है। उसकी रीजन के लिए एक और बात लेकर आता हूं आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम डेफिनेशंस करेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली द 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कंप्लीट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम अगर सारे वर्ड्स को कैटेगराइज करें तो देयर वुड बी 8 कैटेगरीज। सारी डिक्शनरी के सारे वर्ड्स को कैटेगराइज करें, सारी जो लैंग्वेज इंग्लिश स्पीक की जाती है, राइट की जाती है, इफ दोज वर्ड्स यूज्ड इन दैट इंग्लिश लैंग्वेज आर कैटेगराइज्ड, तो देयर आर 8 कैटेगरीज। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिनको इनकी ब्लॉक्स की समझ आ गई उनको लैंग्वेज के यूसेज की समझ आ गई, और जिनको इन ब्लॉक्स की समझ ना आई उनको लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी। इन है ना, इन आपको प्रेपोजिशन लगता है, यस इन इज अ प्रेपोजिशन मोस्टली, बट इन कैन बी एन एडवर्ब, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज इन द सेंटेंस, के सेंटेंस में वो यूज कैसे हुआ। मेरे पास दो कैमरा है इसलिए दोनों कैमराज में थोड़ा थोड़ा व्यू चेंज करता रहता हूं। दोनों आप को देखे, ही केम इन, अब इन एडवर्ब है जी, अब इन प्रेपोजिशन नहीं है, ही केम इन एडवर्ब है। द सेल इज इन द बॉक्स, अब इन एक प्रेपोजिशन है। अब इनको मैं कब प्रेपोजिशन कहूंगा, कब मैं एडवर्ब कहूंगा, ये मैं तभी जान पाऊंगा जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपरली लर्न करूंगा, इनको अंडरस्टैंड करूंगा, एंड यस व्हेन आई वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। आइए जरा इस आर्ट को सीखते हैं कि वर्ड एक ही है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है, तो वो कैसे और कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कब इनको प्रेपोजिशन कहना है, कब एडवर्ब कहना है। तो ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जी आपके, ये उनके नेम्स आपको आ रहे हैं, इनके तरतीब में लिखते हैं तो आपके सामने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। अक्सर लोग कहते हैं सर आर्टिकल भी तो होता है, तो आर्टिकल इज नॉट अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ दैट एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं जी, ए एंड द आपके एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव में जाके अभी बताता हूं एडजेक्टिव में जाके कि हम आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं। आर्टिकल इज नॉट अ सेपरेट कैटेगरीज। ठीक हो गया जी, तो आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो बच्चे वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस या कह लें कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड की शक्ल पे नहीं जाना, फंक्शन पे जाना है। वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। हमने उनका रोल देखना है सेंटेंस में, उनकी शक्ल नहीं देखनी। कि वर्ड वाटर को देखा तो कह दीजिए नाउन है, भी वाटर वर्ब भी तो हो सकता है। आई वाटर द प्लांट्स, देखिए एग्जांपल, आई ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर नाउन है, एक चीज का नाम है, लेकिन ही वाटर्स द प्लांट्स या आई वाटर द प्लांट, चलो आई वाटर कर लेते हैं, आई वाटर द प्लांट्स, तो वाटर इज एन एक्शन, इज अ वर्ब जो एक्शन में परफॉर्म कर रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो गौर करें, फंक्शन ही बदल गया। एक जगह वाटर एक नाउन है, नेम है, अभी देखेंगे कि नाउन नेम को कहते हैं, यही तो सीखने जा रहे हैं। वाटर वर्ब एक्शन है या दूसरे जुमले में ही वाटर्स द प्लांट्स वो एक्शन है। कैथरीन हैड अ बाइसाइकिल, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल, अक्सर लोगों ने पढ़ा होता है, एडवांस उससे उसको रेफर किया है। कैथरीन हैड अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल एक नाउन, एक चीज का नाम है, यस राइट नाउन देयर, लेकिन कैथरीन बाइसाइकिल्ड टू चिप्स रेजिडेंस, बाइसाइकिल्ड तो बाइसाइकिल एज अ वर्ब यूज हो गया। आपके ऑलमोस्ट सारे नाउन, ऑलमोस्ट सारे कॉमन नाउन वर्ब बनने की जो है वो टेंडेंसी रखते हैं, या मैं मजाक में कहता रहता हूं वर्ड बनने की एक शक्ति रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। कैथ बाइसाइकिल नाउन था ना, एक चीज का नाम है, वर्ब बन गया, कैथरीन बाइसाइकिल्ड।
वाटर नाउन था, वर्ब बन गया. अब गौर तो करें, पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज हो गया. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी कि वी आर नॉट लुक एट द वर्ड, वी आर टू लुक एट द फंक्शन ऑफ द वर्ड. हमें वर्ड का फंक्शन देखना है. मैं क्लास में कह रहा होता हूँ मजाक में कि भाई सूरतें नहीं देखनी, सीरतें देखनी है. सीरत देखनी है जी, लफ्जों की सीरत देखें. और ये अपनी जिंदगी पर भी अप्लाई करें कि जिंदगी में भी जब कोई चॉइस करें तो सूरत ना देखें, सीरत देखें. सूरतें जो है हो सकता है कि आपको किसी और तरह की लग रही हो, लेकिन सीरत असल रोल प्ले करती है जी. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर भी लफ्जों की शक्ल पर नहीं है, उनके फंक्शंस पर है. फंक्शंस कि हाउ डू दे परफॉर्म, हाउ डू दे एक्ट, हाउ डू दे बिहेव, कि वो बिहेव कैसे करती. नीचे एग्जांपल देखते हैं. एक और मजे की एग्जांपल है, अली इज बेटर देन आई. बेटर नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है. कैसे पता लगा एडजेक्टिव है? बेटर के आगे लिखे एडजेक्टिव. कैसे पता लगा एडजेक्टिव है जी? क्योंकि एक नाउन की क्वालिटी दे रहा है. आज सीखेंगे अभी कि जो नाउन की क्वालिटी देगा वो एडजेक्टिव होता है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिकॉग्निशन बड़ी अहम है जी, आपके स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ऑब्जेक्टिव की उसकी प्रेप के लिए. 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आना है कंपोजिशन के पेपर का. तो अली इज बेटर देन आई, अली मुझसे बेहतर है. बेटर एडजेक्टिव है. कैसे पता लगा कि अली की क्वालिटी है? कौन है बेटर? अली है बेटर. और जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होता है. ठीक हो गया, खूबी होती है नाउन प्रोनाउन की, यूं कह लें. लेकिन अली प्लेड बेटर देन आई, अब बेटर एडवर्ब है. अब अली बेटर नहीं है, प्लेड बेटर है, वो खेला बेहतर है. अली प्लेड बेटर देन आई, अली मुझसे ज्यादा खेला जी. फेसबुक वालों, अब प्लेड वर्ब को अब बेटर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एंड यस, नाउ आई एम टॉकिंग टू जूम. टॉक तो सबको कर रहा हूं, फेस बार बार डिफरेंट कर रहा हूं कि अली प्लेड बेटर देन आई में बेटर एडवर्ब है. एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब. और भी पढ़ेंगे और बहुत सारे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और एक इसकी डिटेल डेफिनेशन भी है पूरी. लेकिन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो पक्का एडवर्ब है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव है. तो पहले में अली इज बेटर में अली बेटर है, तो एडजेक्टिव बेटर एडजेक्टिव है. दूसरे में जो आखिरी वाला है, अली प्लेड बेटर है, तो बेटर हमारा जो है वो एडवर्ब हुआ. क्योंकि अब प्लेड बेटर है, अली बेटर नहीं है, अब खेला बेहतर है. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो लेट अस स्टार्ट जी, हम अपना टॉपिक लेते हैं. सबसे पहले नाउन है जी हमारे पास. अ नाउन होता क्या, जब सीखने जा रहे हैं इनकी चीजों को. नाउन नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग, एन आइडिया और अ क्वालिटी. मतलब या तो किसी पर्सन का नाम होगा. नेम्स अ पर्सन, नुमान, अली, एहसन. प्लेस हो सकती है कराची, ओकाड़ा, लाहौर, साहिवाल, घोटकी, ठीक है, हैदराबाद, बदीन, एबटाबाद, केपी के कभी ले लेते हैं. बलूचिस्तान वाले कहेंगे सर हमारा कोई नाम नहीं लिया. कोयटा, यस. टॉम हैंक्स, अच्छा प्लेस पर्सन था पहले, प्लेस हो गया. थिंग हो सकती है लैपटॉप, कंप्यूटर, सेलफोन. आइडिया हो सकता है कोई आइडिया, प्लान, जैसे लफ्ज प्लान है, जैसे नॉलेज है. क्वालिटी हो सकती है क्वालिटी, ब्रेवरी. देखो ब्रेवरी नेम है, कैसे पता लगेगा नेम है? जो डरता नहीं है उसकी उस खूबी का नाम क्या है, और जो नाम है वो नाउन है. मैं बच्चों एक सिंपल डेफिनेशन बच्चों कह जाता हूँ, हमें से कई मेरी उम्र के होंगे हम तो बेसिकली वो आदत पड़ चुकी होती है टीचर को स्टूडेंट्स के साथ इस तरह कहने की. तो डियर पार्टिसिपेंट्स, मुझे याद है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास होती थी एम कॉम की एक, तो एक 45 ईयर का जो थे स्टूडेंट मेरी क्लास में था. तो समटाइम्स आई से टू द क्लास, तो देखो बच्चो, तो देन आई एक्सक्यूज टू दैट स्टूडेंट, ओके आप जो है को भी मैं कह गया हूँ, बट आप इसी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो दैट माजरा जी. वो आगे से बड़ा हम्बल स्टूडेंट था जी. वो कहता कि नहीं जी आप टीचर हैं तो आप बड़े ही हैं, जो मर्जी हैं. ओके खैर, तो मैं कहता हूँ तो सिंपल जी, नेम है वो नाउन है. जो नाम है वो नाउन है जी. कोई भी नाम हो, पर्सन हो, प्लेस हो, क्वालिटी हो, आइडिया हमारी क्लास से कुछ भी हो. सोते हुए आपको विजुअल्स आते हैं ना, ख्वाब जिनको कहते हैं, उन विजुअल्स का नाम क्या है? ड्रीम. डफर ड्रीम नाउन है. क्यों? जो नाम है वो नाउन है. ड्रीम है ना, ड्रीम नेम है ना. जो सोते हुए विजुअल्स आते हैं उनका नाम क्या है, नेम क्या है? ड्रीम. ड्रीम नाउन है क्योंकि वो एक नेम है. एवरी नेम इज अ नाउन. टॉम हैंक्स एक करेक्टर का नेम है, नाउन. स्विट्जरलैंड कंट्री का नेम है, नाउन. लफ्ज कंट्री भी नाउन है. कैसे पता लगा नाउन है?
कंट्री एक ज्योग्राफिकली जो एक सेपरेट एंटिटी होती है वो एक उसका उसको नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं कंट्री। पाकिस्तान का एक अपना ज्योग्राफी है जी। कंप्यूटर एक डिवाइस का नाम है। वर्ल्ड हमारी जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम वर्ल्ड है। ब्यूटी एक खूबसूरत एक क्वालिटी का नाम है कि उसके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है जी, उस लड़की में जो क्वालिटी पाई जाती है उसका नाम है जी ब्यूटी। नेम है ना, क्वालिटी का नाम सही। ऑर्नामेंट्स चीजों का नाम होता है जो खवातीन वेयर करती हैं, मतलब जो मुख्तलिफ ज्वेलरी है वो उनके ऑर्नामेंट्स हैं जो उनको आराइश का काम देते हैं। तो एवरी नेम इज अ नाउन। सिंपल एक बार डेफिनेशन करते हैं फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है जी? टेस्ट, ब्रेथ, लव और नाउन्स। अच्छा देखिए, जो वर्ड टेस्ट है ना नाउन है, टेस्ट वर्ब भी है। मैंने यही तो कहा है, अभी वर्ब पर जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगा। मैं कह दूं आई टेस्ट ऑल द डिशेस तो टेस्ट वर्ब, आई टेस्ट में चखता हूं। और अगर मैं आपकी जो चखने की सलाहियत है उसका क्या नाम है? टेस्ट। ठीक है जी। टेस्ट जौक को भी कहते हैं। आपका किताबें पढ़ने का जो लगन है उसका क्या नाम है? टेस्ट है आपका जी, वो भी नाउन है। तब भी लव नाउन है। मेरे दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है उसका नाम क्या है जी? उस फीलिंग का नाम, जो नाम है वो नाउन है, उस फीलिंग का नाम है लव। तो आई लव यू तो लव वर्ब है जी। तो मींस ब्रेथ। अच्छा ब्रेथ नाउन है, ब्रीद वर्ब होता है, बी आर ई ए टी एच, ब्रेथ प्योर नाउन है। और अगर इसके आगे मैं ई लगा लूं तो ब्रीद बन जाता है, तो वो वर्ब होता है, तब वो ब्रीद है और ये ब्रेथ है। ये जो है मोहम्मद इनामुल्लाह, ब्रेथ प्योरली नाउन है जी। उसको हम एज अ वर्ब यूज नहीं करते, फिर आपको ई लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनी वन ऑफ यू कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, आपका माइक ऑन करने की मैंने इजाजत दी हुई है। एनी वन ऑफ यू जो कि अपना माइक ऑन करना चाहता है, कोई शेयर पूछना चाह रहा है, एनीथिंग, जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ना है हमने। नहीं जी, चले हम वापस वहीं आते हैं जी फिर। तो आगे बढ़ते हैं जी। बच्चा पार्टी, हमारे पास प्रो नाउन आ गया। परो, प्रो नाउन, प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, जो नाउन की प्लेस पर है जी वो प्रो नाउन है। एवरी वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज प्रो नाउन। ठीक है जी। बेटा इन स्लाइड्स की, सारी स्लाइड्स की पीडीएफ आती होती है। मैं लेक्चर के बाद एक मुझे जो है उन्होंने कहा है, एक स्टूडेंट ने, तो बेटा आप अगर शामिल हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप एसएमएस करके मुझे या रिजवान साहब को फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, नो इशू। तो वहाँ ये फाइल्स शेयर की जाती हैं जी। और इन सेकंड सेंटेंस, ब्यूटीफुल इज अ नाउन और नॉट। लफ्ज ब्यूटीफुल नाउन होता ही नहीं है। जहांगीर काकड़, आई थिंक, आई होप आपके नेम से लग रहा है कि आप के पी के या बलूचिस्तान से हैं। हमारे बड़े प्यारे सूबे हैं जी दोनों। बेटा ब्यूटीफुल, फिर वही टीचर की, डियर पार्टिसिपेंट, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्वालिटी है। अभी पढ़ेंगे ब्यूटीफुल, जैसे मैं कह दूं ब्यूटीफुल सीन, अ ब्यूटीफुल प्रोविंस, केपीके इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, गिलगित बल्तिस्तान इज अ ब्यूटीफुल एरिया, ब्यूटीफुल, तो वो किसी नाउन की क्वालिटी दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा प्रो नाउन पे आते हैं जी। प्रो नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है ताकि नाउन की रेपिटेशन बची जा से बचा जा सके। परो मतलब इन प्लेस ऑफ। देखो मैं जुमला बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जी कि औरंगजेब इज माय फ्रेंड, औरंगजेब लिव्स नियर टू माय हाउस, औरंगजेब वर्क्स हार्ड, तो औरंगजेब, औरंगजेब की रेपिटेशन अच्छी नहीं लगती। वी शुड यूज अ प्रोनाउन हियर, औरंगजेब is my best friend, he lives near to my house, he works hard, so I would be using some word and that word in used in place of noun, that would be pronoun. aur zaruri nahi hai ye he she it they pronoun ho. aaj aapko mazak ki cheez bata raha hu, har wo word jo kisi noun ki replacement par aaya hai wo pronoun hai. kya baat, har wo word jo noun pronoun ki replacement par aaya hai. he is studying hard, he pronoun hai. he aslam akram ki jagah pe hai na. None can compete him. अब none जो है वो किसी person की जगह पर आया है। असलम अकरम, अहमद वसीम, नुमान, ये सारे लोग हैं जी। None can compete him. तो इन सब नामों की जगह पर क्या आ गया? None. कि इनमें से एक भी नहीं। असलम अकरम, अहमद, नुमान, none. तो none उन सब names को replace कर रहा है कि इनमें से एक भी नहीं। Who is knocking at the door? ज़ाहिर है कोई असलम अकरम, वसीम, अहमद, आयशा, कोई knock कर रही होगा ना। तो who is knocking at the door?
हु उस असलम अकरम की जगह पे, वो जवाब भी ये देगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर, आयशा। तो लफ्ज आयशा की जगह पर क्या आया, आयशा नाउन है, उसके जगह पर आया हु, हु इज अ प्रोनाउन। मैं कह रहा हूं जी दिस गिव्स इमेज, ये कैमरा है, दिस गिव्स इमेज, ठीक हो गया, दिस गिव्स इमेज, दिस किसकी जगह पे आया, कैमरा की, कैमरा नाउन था, किसी चीज का नाम है ना कैमरा, कैमरा इज अ नाउन, दिस इज अ प्रोनाउन, सो सिंपल इज द केस, दिस इज अ प्रोनाउन because it is being used in place of a noun and every word used in place of a noun there would be a pronoun. Mostly I try to use Urdu for the comprehension. Reason हमें understanding चाहिए, हमें तो rule apply करने, हमें grammar apply करनी है, हमें direct indirect active passive voice जो है हमें correction हर चीज़ apply करनी है, तो concepts deep होना ज़रूरी है, that is why language वो रखी है that is easily understandable to every person. Otherwise to deliver that lecture in that target language that we are going to target, that English is not that difficult, but just for comprehension better I am using that. Okay ji, aur agar aap razi hain is cheez par ki agar nahi sir English ko zyada liya jaye to I would be there on that part and we would be explaining everything in that target language, but just for the sake of comprehension Urdu ka sahara liya ja raha hai ji. तो वर्ब क्या है जी, वर्ब्स आर दी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्टिविटी और स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ले जी एक मजे की चीज आपके सामने हो रही है. आज तक आपने वर्ब का स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ा था कि वर्ब किसी काम को कहती है, यही पढ़ा था ना, बताएं मुझे माइक ऑन करके या वैसे, कि आज तक वर्ब का आपने ये पढ़ा था कोई कोई काम होता है, मतलब कोई एक्शन होता है, ऐसे ही है स्टूडेंट्स, आपने आज तक पढ़ा था कि वर्ब कोई एक्शन होता है, इनामुल्ला ऐसा ही है ना, यस सर ऐसा ही है, आज तक एक्शन पढ़ा था, लेकिन मैं आपको वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन आज करवा रहा हूँ. बहुत सारी डेफिनेशन जो आपके टॉपिक्स की हैं वो आज तक अपनी, जैसे सब्जेक्ट की डेफिनेशन आज तक आपने पढ़ी थी के जी काम करने वाला, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया, डेफिनेशन ही चेंज कर दी, मैंने कह दिया सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन वो है, वो काम करने वाला जो है वो प्योर डेफिनेशन ही है, वो कई जगह पर फेल हो जाती है. मैं कहता हूं आई नीड मनी, तो मैंने काम ही कोई नहीं किया, आई नीड मनी, आई नीड नॉलेज, आई नीड बुक्स, तो मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, लेकिन आई के बारे में इंफॉर्मेशन तो चले गई ना, आई इज अ सब्जेक्ट. तो बहुत सारी डेफिनेशन आपकी चेंज करूंगा जी इस पूरे कोर्स में, इस पूरे जो आपका चल रहा होगा इनशाला, तो बहुत सारी चीजों को बेसिक से ठीक करूंगा, बुनियादों से, कि ये चीज असल में लेके चलनी कैसे. आगे बढ़ते हैं जी, वर्ब इज एन एक्शन, ठीक है, लेकिन आप गौर करें मैंने डेफिनेशन ही बदल दी, वर्ब इज एन एक्शन. मैं कल की तरह लेजर की लाइट को सिलेक्ट करता हूं ताकि आप लोगों को मुझे वो व्यू करवाना आसान हो जहां मैं पढ़ा रहा हूं. तो वर्ब इज एन एक्टिविटी और स्टेट ऑफ अ नाउन, ये नाउन की स्टेट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रहा हो. आई नीड बुक्स, मैंने जुमले में कोई एक्शन परफॉर्म किया, बोले नीड वर्ब है, इट्स अ वर्ब, बट एम आई परफॉर्मिंग एनी एक्शन, आई नीड बुक्स, बोले स्टूडेंट्स माइक ऑन करें, जूम वाले बच्चे माइक ऑन कर सकते हैं, या मैसेज करें, जूम वाले बच्चे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे पास सामने जूम की स्क्रीन है जी इस वक्त. तो जूम के स्टूडेंट्स, आई नीड बुक्स में नीड क्या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बोले जलील सैफ, इनामुल्ला, बच्चों ने मैसेज किया है, तो सर कोई एक्शन परफॉर्म, पर नीड वर्ब तो है ना, यस बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, वी नीड एक वर्ब तो है पर एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा. इट मींस टू से हम एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर वर्ब वो वर्ड होता जो एक्शन परफॉर्म करता सिर्फ और सिर्फ, तो हम कहते जी एन एक्शन इज वर्ड इज अ वर्ब, पर मैंने आपको डेफिनेशन में ऐड करवाया सारे वो वर्ड्स एक्शन होते हैं जो या तो किसी एक्शन देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, या नाउन की प्रोनाउन की स्टेट देते हैं, हालत देते हैं, उसको स्टेट देते हैं. आई नीड बुक्स मेरी स्टेट है, कि मेरी क्या स्टेट है, नीड बुक्स. ओके, आई एम हैप्पी, एम वर्ब होता है जी, हेल्पिंग वर्ब, कि आगे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को वर्ब भी कहते हैं, फिर मेन वर्ब भी कहते हैं. आई एम हैप्पी में एम के आगे कोई मेन वर्ब मौजूद नहीं है, मेन वर्ब कहलाएगा. माइक बंद कर ले, किसी का माइक ऑन है आई थिंक आपने से, इनामुल्ला आपका ऑन था, चले ठीक हो गया. तो आई नीड बुक्स, आई एम हैप्पी में आई एम हैप्पी मेरी स्टेट है, आई एम हैप्पी मेरी स्टेट है, पर एम कोई हमारा एक्शन वर्ब नहीं है. तो आइए देखते हैं
एन एक्शन वर्ब टेल्स एस एन एक्टिविटी. आई टीच इंग्लिश, टीच एक्शन वर्ब है. टीच, मैं एक्शन कर रहा हूं. ही हैज ईटन फूड, तो उसका एक्शन है. देखो फूड के, उसको फूड के ऊपर उसने एक्शन किया, तो ईट एक एक्शन वर्ब है. लेकिन नीचे जरा स्टेटिव वर्ब देखिएगा, इनको स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, वर्ब तो स्टेट भी कहते हैं, और हम वर्ब के टॉपिक में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे. इनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कह लेते हैं, ये लिंक कर रहे होते हैं. क्यों कहते हैं लिंकिंग वर्ब? कॉपुलास भी कहते हैं, प्रॉपरली हम देखेंगे. द मॉन्स्टर इज अगली, मॉन्स्टर की हालत यूज बताई जा रही है, स्टेट आ रही है. कैसी है जी मॉन्स्टर? अगली. मॉन्स्टर ने इस जुमले में एक्शन तो कोई नहीं किया, तो इज एक हमारा स्टेटिव वर्ब है. ही लुक्स हैप्पी. लुक आपको पता है तो वर्ब, ही लुक्स हैप्पी है तो वर्ब. एससीएस का इजाफा भी किया है वर्ब के साथ, जैसे करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो. पर ही लुक्स हैप्पी में ही डजंट परफॉर्म एनी एक्शन, ही हैजंट परफॉर्मड एनी एक्शन, तो ही ने तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया. और जब परफॉर्म ही नहीं किया तो लुक हमारा स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है. तो लॉजी वर्ब के टॉपिक में आपको डेफिनेशन में आपका इजाफा हुआ कि इट ऑल्सो स्टेट्स. ठीक है जी, जल्दी हम इंशाल्लाह एक्टिविटीज शुरू करेंगे. कल मैं ना एक आपको बकायदा छोटा सा क्लिप बना के भेजूंगा, और कल मैंने आप लोगों को लाजमी तौर पर टेस्ट देना है जी हर सूरत. और आप लोगों का कम्प्रीहेंशन का स्टार्ट होने लगी है टेस्टिंग. रोजाना मैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनसे एक डेढ़ पेज लिखवाया करूंगा, चेक किया करूंगा और उनको भेजा करूंगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है, ताकि उनमें बेटरमेंट आए. क्योंकि हम अब अपने बेसिक्स को हाथ डालना शुरू हो गए, और इन्हीं बेसिक्स के बेस पर देखना आपकी करेक्शन करना शुरू कर देनी है जी. अगले की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बच्चे ने पूछा है जी मुझे, अहमद ने. तो बच्चे अगली जो है वो एडजेक्टिव है. कौन है अगली? मॉन्स्टर. अभी एडजेक्टिव करने जा रहे हैं, तो मॉन्स्टर नाउन है, तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव है. ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी हम. एडजेक्टिव ही हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि अगली कैसे एडजेक्टिव. और मैं आपको ना आज एडजेक्टिव कन्फर्मेटी टेस्ट सिखाऊंगा. जो लोग आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हंसे होंगे थोड़ा सा कि कन्फर्मेटी टेस्ट तो केमिस्ट्री के होते हैं, कि सॉल्ट कन्फर्म करना हो कि ये कौन सा है, तो हम कन्फर्मेटी टेस्ट करते होते हैं केमिस्ट्री में. तो मैं इंग्लिश में भी केमिस्ट्री आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ जी. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउन्स एंड टू क्वांटिफाई एंड आइडेंटिफाई देम. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उनको क्वांटिफाई या आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब या उनकी क्वांटिटी देते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कैसा है. मतलब स्लो बॉय से पता लग गया कि लड़का स्लो है. सादा कह दूं किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी देते हैं, बिल्कुल सादा आपके लिए. वो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी देते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हो मतलब पहचान रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं तादाद दे रहे हैं. टू बॉयज में टू एडजेक्टिव है. लॉजिक कन्फर्मेटिव टेस्ट लो. एडजेक्टिव्स किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन प्रोनाउन को. नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी देते हैं. जब भी आपको किसी लफ्ज के बारे में शक होना कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है, उसको नाउन प्रोनाउन के साथ रिएक्ट करवा ले, जैसे सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाते. ठीक है, मैं आमतौर पर जो नाउन प्रोनाउन लेता होता हूँ वो मैन वुमेन ले लेता होता हूँ. ठीक है जी, बॉय या गर्ल ले लेता हूँ. स्वीट बॉय, स्वीट एडजेक्टिव है. देखो नाउन क्वालिफाई कर गया, स्वीट बॉय. मैंने कहा था ना फंक्शन देखना है, लफ्ज नहीं देखने, फंक्शन अप्लाई करके देखना है. तो स्वीट बॉय को क्वालिफाई करके एडजेक्टिव. हार्ड बॉय मतलब जरा सख्त किस्म का है, डोले शोले बनाए हुए. ठीक है जी, हार्ड टेबल है, जैसे टेबल भी नाउन है. स्लो, स्लो बॉय. मोर बॉयज, तो मोर भी एडजेक्टिव है. क्यों? बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन बॉयज नाउन है. ठीक है जी, वन बॉय तो वन एडजेक्टिव है, टू बॉयज तो टू एडजेक्टिव है. मेरी बात समझ आ रही है? तो नीचे एग्जांपल देखे, ही इज अ वेरी क्यूट बॉय, तो क्यूट एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है. बॉय इज अ नाउन, तो क्यूट इज एन एडजेक्टिव. अगली, अब आती अगली मॉन्स्टर एंड अगली सीन. तो अगली जो है वो बदसूरत है, तो अगली नाउन्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो अगली एडजेक्टिव हुआ. सो सिंपल इज मॉन्स्टर इज अगली, तो अगली किसकी खूबी दे रहा है? मॉन्स्टर की, तो अगली इज एन एडजेक्टिव. डर हो गया जी. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जी. हमारे पास जो है वो आ रहा है एडवर्ब. इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बड़े मजे के क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. देन आप लोगों के माइक्स मुझे ऑन चाहिए, फिर पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को. द वर्ड्स विच एड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब्स. तीन चीजों को क्वालिफाई करेंगे जी, वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. वो सारे वर्ड्स देखो, हमारे मीनिंग एडिशन वाले क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स ही दो होते हैं. इनको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को. हमारे मॉडिफायर्स की कैटेगरीज दो हैं, एक है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं. मॉडिफाई मींस वही मीनिंग में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना,
नाउन प्रोनाउन को। एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं यस, जो आपके आते हैं क्या नाम लेते हैं एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और क्या नाम लेते हैं वर्ब्स को। मतलब एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। और बाकी तीन पार्ट ऑफ स्पीच आपके आ गए, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। मतलब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को कर रहा है और एडवर्ब एडजेक्टिव को करी जा रहा है। माइक ऑन करने जी आप लोगों ने जरा मेरे साथ, मैं आप सब लोगों को माइक ऑन करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। नीचे पहले ये दूसरी लाइन बाद में पढ़ेंगे, नीचे एग्जाम एक्सरसाइज करेंगे। ही रैन स्लोली, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे मैंने करेक्शन जैसे सब्जेक्ट को एग्रीमेंट करवाई है ना, तो ऐसे जब अगले टॉपिक करवा रहे हो ना, तो बड़ी अहम काम की चीजें आनी है। स्पेशली जब मैंने आपसे ऐसे राइटिंग करवानी है, प्रेसी करवानी है, उसमें जब मैंने आपकी मिस्टेक्स निकाल रहे हो ना, तो मैंने ये बातें बता रहे होना है, देखो याद करो मैंने इस लेक्चर में ये चीज बताई थी आपको। तो वो बड़ी काम की चीजें आ रही होने की आपकी, ताकि एक्यूरेसी लेकर आऊं आपकी ऐसे राइटिंग और दूसरी चीजों में परफेक्शन आ सके। मुझे बताएं सारे लोग, माइक ऑन करके ही रैन स्लोली में स्लोली को एडवर्ब क्यों कहा है जी? और जो चैट करके बताना चाहते हैं, मैं चैटिंग भी एक साइड पर ऑन करके रख लेता हूं। चैट आप लोगों को शो तो नहीं ना हो रही, प्राइवेटली ऑन है ना? अगर कभी चैट प्राइवेटली ऑन हो आप लोगों को शो हो रही है, तो आप लोगों ने फॉरन बताना कि सर चैट प्राइवेट नहीं है, स्क्रीन पर शो हो रही है जी। सर क्योंकि यहाँ पे जो रेन है उसके स्लोली जो है जी जी वो एडिशन है इन द मीनिंग ऑफ वर्ब रेन में। रेन तो ही रेन, और रेन असल में थोड़ा सा प्रोनंसिएशन का है। अच्छा मैं एक मजे की चीज बताऊं, प्रोनंसिएशन पे कभी घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा टिडबिट ऐड करते हैं, होती रहती है। आप प्रोनंसिएशन इज नॉट दैट बिग इशू, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अक्सर लोग कहते हैं घबराते हैं, स्पोकन स्किल्स उनकी वीक इसलिए होती है कि वो प्रोनंसिएशन से घबरा रहे होते हैं। आप चले जाए ना ये अरब कंट्रीज में, जापान वगैरह में, तो दे कैन नॉट स्पीक टी, क्योंकि टी उनके है ही नहीं, दे वुड से पाकिस्तान। और अरब वाले तो पे भी नहीं है, वो कहेंगे पाकिस्तान, ठीक है। वो जब कह रहे हो कि आई एम टू गो देयर, आई एम टू गो, टू नहीं कहेंगे टू गो, आपने सुना होगा वो स्पेशली जैपनीज वगैरह का, आई एम टू गो देयर। डी नहीं है उनके जी, जैपनीज के डा साउंड नहीं है, डी नहीं है। आई वुड नॉट लाइक इट, आई वुड नहीं वुड, और इट नहीं इट, आई वुड नॉट लाइक इट। तब आप कहेंगे जी प्रोनंसिएशन ही ठीक, तो लॉजी इस बंदे को बैन कर दो, बुरा कर दो, प्रोनंसिएशन को इशू नहीं है। लैंग्वेज टू लैंग्वेज, रीजन टू रीजन, मैं अपने रीजन के मुताबिक अपनी उर्दू की, मेरी आपको एक्सेंट मिल रहा होगा, जो केपी के से उसका एक्सेंट और होगा, बलूचिस्तान से और होगा, गिलगित वाले कश्मीर वाले का और होगा, सिंध वाले का और होगा, परेशान नहीं होना। मैं इस पर ना एक एग्जाम्पल देता होता मजे की, कि अगर गल्फ कंट्री से कोई बंदा जाता है, जोक है, जोक शुड बी टेकन एज जोक ओनली, वो जाता है अमेरिका जाता है, और जाके पूछता है कि किसी ट्रैफिक वार्डन से गाड़ी पार्क करते हुए कि मैंने यहाँ गाड़ी पार्क करनी है, वो पूछेगा क्या मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर सकता हूँ, तो वो क्या बोलेगा इंग्लिश में, बोले क्या बोलेगा, कोई मौका ऑन करके बताए क्या मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर सकता हूँ। मैं बड़ा मजे की है, जस्ट फॉर अ लाइट ऑन अ लाइट नोट जी, क्या बोलेगा, कैन आई पार्क हियर, बोल पाएगा वो, क्या बोलेगा, व्हाट वुड ही स्पीक। वो पे तो बोल नहीं पाते, पे तो है ही नहीं गल्फ कंट्रीज में, उनके पूरे लैंग्वेजेस में। स्टूडेंट्स ही वुड से कैन आई पार्क हियर, तो वो एक गौर करो, थोड़ा सा हंसने वाली बात हो जाएगी ट्रैफिक वार्डन के लिए भी, कि व्हाट इज ही सेइंग, क्योंकि वो पे तो बोल ही नहीं पाएगा, पी तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा, वो कभी पाकिस्तान तो नहीं ना कहते, दे ऑलवेज से पाकिस्तान, अल पाकिस्तान, बिकॉज तो प्रोनाउंसिएशन पे इतना टेंशन नहीं लेनी जी, इसलिए रैन है जी प्रोनंसिएशन थोड़ी सी, मैं उसको बस करेक्ट कर रहा हूँ। ही रैन स्लोली, ही रैन स्लोली को क्यों एडवर्ब कहना है, क्योंकि स्लोली एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एक एडवर्ब है, ठीक हो जी। हाँ वो पी की जगह बी यूज करेगा, दैट्स गुड जी। तो इट वॉज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। याद रखिए वो श्रीलंका की टीम का प्लेयर था, बड़ा उनका अच्छा प्लेयर रहा, बैट्समैन रहा, माहिला जयवर्धने। इंडिया वाले क्या सोच रहे होंगे ये कोई खातून है, क्योंकि हिंदी में माहिला खातून को कहते हैं, तो श्रीलंका के प्लेयर का नाम ही माहिला जयवर्धने था। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट अल्फाबेट्स, एंड बहुत सारे नहीं है, हमारे उर्दू में डब्ल्यू की साउंड नहीं है जी,
वी और डब्ल्यू के साउंड हम एक जैसे प्रोनाउंस करते हैं, यस ये हमारी बहुत बड़ी खामी है। वी और डब्ल्यू, वैन वी से है और वाटर डब्ल्यू से, हम एक तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वाओ के साउंड दिए जा रहे हैं। दीज आर टू डिफरेंट अल्फाबेट्स, और अगर अल्फाबेट्स डिफरेंट है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी तो डिफरेंट होगी, जस्ट सोचिए। पर हमारे डब्ल्यू के साउंड नहीं है उर्दू में, याद रखिएगा, करेंगे इस पर बहस जब प्रोनाउंसिएशन की बातें आएंगी। ही रैन वेरी स्लोली, जी स्लोली एडवर्ब है, था ना, रैन को क्वालिफाई कर गया, तो वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि वो स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी रैन है कि वेरी स्लोली है, माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग, माइक ऑन कर लिया करें। बी वेरी स्लोली है कि वेरी, मुझे बताइए आप लोग, काकड़ मेरे भाई, जल्दी से एहसन, जरीशा बच्चे, आप लोग मुझे बताएं कि वेरी रैन है कि वेरी स्लोली है। बच्चो सर वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, इसका मतलब वेरी स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, और जो स्लोली को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है। क्यों? स्लोली खुद एडवर्ब है, और ये अभी तो हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब है, ये लिखा है, और अनदर एडवर्ब, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब है, तो वेरी एडवर्ब हुआ। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, कौन है इंटेलिजेंट? ही है इंटेलिजेंट, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ही है इंटेलिजेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं वेरी इंटेलिजेंट, कि सिर्फ इंटेलिजेंट जी नहीं है जी, इंटेंसिफायर कर लगा दिया, इंटेंसिफायर जो इंटेंसिटी बताते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सही ना जी, वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी आपका एडवर्ब हुआ क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, एंड एवरीथिंग दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब, ये लिखा हुआ है। तो आइए एडजेक्टिव एडवर्ब की डेफिनेशन को और बड़ा करते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उनमें एडिशन कर रहे होता है एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को, और नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितनी कैटेगरीज है, जितने वर्ड्स हैं जो नाउन प्रोनाउन के अलावा, उन सबको क्वालिफाई करने की सलाहियत एडवर्ब रखता है। एडवर्ब इवन क्वालिफाइज क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब सेंटेंस कह लें एक तरह से, चलो जी सेंटेंसेस तक को क्वालिफाई कर देता है एक एडवर्ब। ओनली असलम केम टू द पार्टी, ओनली पूरे जुमले को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आई शुड हेल्प यू, तो इनफैक्ट आई शुड हेल्प यू सारे को क्वालिफाई कर रहा है, आई शुड हेल्प यू पूरा जुमले को क्वालिफाई कर रहा है। दर हकीकत मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, तो दर हकीकत एडवर्ब है, पूरी जुमले को क्वालिफाई कर गया। तो सिर्फ ये वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करते एडवर्ब्स, ये एक इनके डेफिनेशन है बुक्स में लिखी हुई, मैं आपको एक स्टेप ऊपर लेकर जा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को एक लेवल की तैयारी करवा रहा हूं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट फॉर ओनली फॉर योर मैट्रिक और एफएससी एग्जाम्स, तो आपका एक लेवल सेट कर रहा हूं, ठीक हो गया जी। तो आपका आ गया जी कि हर एक चीज को क्वालिफाई कर सकेगा, तो आप में से अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, तो वो पूछ सकता है जी। मैं आई थिंक एनोटेशन स्टॉप कर दूं। आप में से कोई पूछना चाह रहा है यहां तक, कोई बात कोई समझ ना आई हो चीज, वो पूछना चाह रहा हो जी, अच्छा जी कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं। We proud of you में जुमला गलत है, we are proud of you, याद रखिएगा वर्ब के बगैर जुमला नहीं बनता इनामुल्ला, we are proud of you, आर वर्ब होगा, और जो प्राउड है ना वो बेसिकली एक नाउन है, ठीक है जी। अब लेकिन अदरवाइज क्या नाम लेते हैं, प्राउड एडजेक्टिव है, प्राउड मैन, प्राइड प्योरली नाउन है, प्राइड नाउन है, और प्राउड को ज्यादातर हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, वी आर प्राउड, लेकिन चूंकि साथ प्रेपोजिशन आ गई है तो वो एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जहांगीर ने पूछा है सेंटेंस फॉर ऑफन, ऑफन जो है आपका एडवर्ब है, ही ऑफन कम्स हियर, ऑफन कम्स, ऑफन एडवर्ब है, कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और फास्ट को कैसे यूज करते हैं सर एज एडवर्ब? फास्ट माय डियर अरूज किरमानी, दोनों तरह से यूज होता है, फास्ट इज एन एडजेक्टिव, फास्ट इज एन एडवर्ब, ये फास्टली नहीं यूज होता जी तेज के लिए, याद रखिएगा, किसी सूरत नहीं है, कभी नहीं कहना ही रैन फास्टली, गलत है, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट तो फास्ट एडवर्ब है, रैन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट बॉलर क्रिकेट से ले लेते, ही इज अ फास्ट बॉलर, तो फास्ट एडजेक्टिव है, बॉलर नाउन है, फास्ट वहां एडजेक्टिव है, नाउन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब, ही रैन फास्ट। तो देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला कि आपको फैसला करना है कि
ये एज एडजेक्टिव वर्ब कर रहा है कि एज एडवर्ब वर्ब कर रहा है। ठीक हो गया जी, एक मिनट, एनोटेशंस अभी भी ऑन है एंड स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू एनोटेट जी, तो मैं डिसेबल एनोटेशंस कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्क्रीन को एनोटेट, मुझे डायरेक्ट पूछे एनोटेशन होता है कि बच्चा इसके ऊपर कोई ना कुछ लिख सकता है, कोई ना कोई मार्क कर सकता है, तो मैंने वो एनोटेशंस आपके सब डिसेबल कर दिए, मुझसे डायरेक्ट पूछे बच्चे। चैट में और चीजें भी आ रही हैं जी, प्राइड डेफिनेशन में नाम अहमद, प्राइड नाउन ही है, प्राइड नाउन ही है। मुझे आई थिंक आईपैड ने पूछा है ना, उन्होंने आईपैड रख लिया अपना, वो ज्वाइन रख सकते हैं, एडवर्ब दोबारा एक्सप्लेन कर दे, चले मैं दोबारा कर देता हूँ, वीडियो आपको मिल जानी, इसको दोबारा रिवाइंड करके भी आप सारा देख सकते हैं कि एडवर्ब्स क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मैं बड़ी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन को जो है वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी हर चीज को, वो वर्ब हो, वो एडजेक्टिव हो, इवन एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है, मतलब जुमले के किसी और एडवर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है। ठीक हो गया जी, आपने इसकी वीडियो को दोबारा देखना है बच्चों, हम नेक्स्ट मूव करने की तरफ जाएं, बेटर है क्योंकि आप लोगों को मैंने 45 मिनट लिए होते हैं, तो 45 नहीं तो चलो 50 मिनट पढ़ा लूं, लेकिन बेटर है कि आप लोगों का टाइम जाया ना करो ज्यादा जी। तो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। समझाता हूँ डेफिनेशन, प्रेपोजिशन है प्री पोजिशन, प्री प्री पहले, जैसे प्री क्लासेस नहीं होती अक्सर कॉलेजेस प्री क्लासेस लेती हैं, वो मतलब रेगुलर क्लासेस से पहले, प्री पहले, तो प्रेपोजिशन में भी प्री पोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले, तो ये किसी ना किसी से पहले आता है, पोजिशन होता है, देखते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले पुट किया जाता है, ये किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है जी, प्रेपोजिशन लाजमी तौर पे, नाउन प्रोनाउन से पहले तो एडजेक्टिव भी आता है, पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर उसकी क्वालिटी देता है, ये नहीं देता, ये क्या करता है देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन, पुट बिफोर वही पोजीशन बिफोर, प्री पोजीशन है ना, टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस, जुमले के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिलेशन देता है जी प्रेपोजिशन, क्वालिटी नहीं देता उस नाउन प्रोनाउन की, ताल्लुक देता है कि दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या ताल्लुक है, देखते हैं एग्जांपल में, डेफिनेशन एग्जाम्पल से दोबारा जांचते। द कैट इज ऑन द टेबल है जी, ऑन आपको पता है प्रेपोजिशन है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, टेबल नाउन है, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ऑन द टेबल, टेबल नाउन है, नाउन से पहले आ गई, टेबल एक चीज का नाम है। इस जुमले में एक और नाउन है कैट, कैट एक एनिमल का नाम है, तो इन दोनों नाउन्स में रिलेशन दे रहा है जी ऑन कैट, ये फर्ज करो मैं इसको कैट ले लेता हूं, कीज है मेरी गाड़ी की, तो कैट, ये कैट ले ले, सपोज कर ले ये टेबल है, कैट इज ऑन द टेबल, ओके इसको ले लेता हूं, द कैट इज ऑन द पाम, ये हाथ मेरा, चलो टेबल ले ले, कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट और टेबल में रिलेशन आ गया, कैट कहां है, टेबल के ऊपर है, इन दोनों का रिलेशन आ गया, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ऑन ने कोई खूबी नहीं दी किसी की, दो नाउन्स का रिलेशन दे दिया, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम। जब अभी अहमद ने या अनामुला का क्वेश्चन था प्राइड ऑफ नेशन, तो मैंने प्राइड को क्यों कहा कि वो नाउन है, क्योंकि जो ऑफ था वो प्राइड और नेशन दो नाउन्स का रिलेशन दे रहा था। देखें हम अप्लाई कर करके सीखेंगे, हम फंक्शन से सीखेंगे, मैं आपको लफ्जों की पहचान सिखाऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करना पड़े, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, सीएसएस वगैरह के लिए, आपको फंक्शन से पता लगे, शक्लों से नहीं, आप अप्लाई करके देखें, आप कंफर्मेटरी टेस्ट लें, वही केमिस्ट्री आपको साथ ग्रामर के करवा रहा हूं, क्या आप देखें प्राइड ऑफ नेशन में नेशन ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्राइड नाउन होगा क्योंकि दो नाउन्स का रिलेशन देना था, प्राइड ऑफ नेशन, नेशन नाउन है, सो सिंपल इज द केस। ठीक है जी, एक क्वेश्चन आया जी, फिर प्रेपोजिशन के टॉपिक को पूरा करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, मोबाइल इज ऑन चार्ज इन द कार, ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ चार्ज नाउन है, आर वी से प्रेपोजिशन आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू लिंक अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं, ऐसे नहीं कहना जुबैर, आपने ऐसे नहीं कहना, अनदर नाउन और प्रोनाउन, जुमले के दूसरे पार्ट में तो वर्ब भी है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये नाउन प्रोनाउन से पहले आकर जुमले के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से जो से रिलेशन देता है, ठीक है,
अच्छा मैं रिलेशन बदलने लगा हूँ, नीचे एग्जांपल देखें, कैट इज ऑन द टेबल, ये टेबल था, कैट इज ऑन, कैट इज अंडर द टेबल मतलब उसके नीचे घुसी हुई है, कैट इज इन द टेबल उसके किसी ड्रॉर वगैरह में घुसी हुई है, इन द टेबल जैसे बड़े बड़े ड्रॉर्स भी होते हैं, कैट इज विद द टेबल उसके पास है कहीं, कैट इज एट द टेबल, एट और ऑन में फर्क होता है याद रखिएगा, आई एम एट द टेबल नॉट आई एम ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मेरे कैमरास पड़े हुए हैं, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है वो ऑन है, फिजिकली ऊपर है तो ऑन है, मैं एट द टेबल हूं, एट द टेबल क्या क्या मतलब है कि आप उस पर कोई वर्क कर रहे हैं, आप उस लोकेशन में एट वसिनिटी के लिए आता होता है, उस लोकेशन पे है, उसको यूज कर रहे हैं, पार्ट ऑफ फिजिकली ऊपर चढ़े नहीं हुए, दैट इज एट। जब आप कहते हैं कोई दरवाजे पर तो समवन इज ऑन द डोर नहीं कहते, एट द डोर, ऑन द डोर तो अजीब हो जाएगा, दरवाजे के ऊपर चढ़ गया वो तो ऊपर बैठा हुआ चढ़ के, वो नहीं, एट द डोर है, नॉक कर रहा है, वो दरवाजे की सरफेस को यूज कर रहा है, तो दैट इज एट। तो एट द टेबल का मतलब है कैट उसके ऊपर पड़ा मिल्क पी रही है लेकिन बॉडी उसकी किसी और चीज पर है, स्टूल पर बैठी हो, टेबल पर दूध पड़ा हो और पी रही हो, तो कैट इज एट द टेबल हो सकती है, नियर द टेबल उसके कहीं करीब करीब है, आस पास है। तो गौर करें जैसे जैसे प्रेपोजिशन बदलती गई, रिलेशन बदलते गए, समझ आ रही है ना? माइक ऑन करने की इजाजत दिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑन यूज करते, नहीं ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग लिविंग, मैं इस टेबल के ऊपर आ जाऊंगा तो आई एम ऑन द टेबल, कैट इज ऑन द टेबल, कैमरा इज ऑन द टेबल, कैमरा नॉन लिविंग है ऑन, कैट होती तब भी ऑन, राइट्स ऑन, ऑन का कोई लिविंग नॉन लिविंग से कोई ताल्लुक नहीं है जहांगीर। और देन मोहम्मद दानिश ने क्वेश्चन पूछा है, यूज ऑफ, बड़ा दानिश वाला क्वेश्चन है दानिश, रियली गुड जी, हम तो आपको उस दानिश वाले ड्रामे से आप इसके नाम के लोगों की कदर करते हैं थोड़ा सा क्लास को लाइवली भी बनाना होता है जी। दानिश अक्यूज वर्ब है, अब दानिश असल में मुझे कहना चाह रहा है कि सर अगर ये दो नाउंस का रिलेशन देता है क्वेश्चन में पूछना जी चाह रहा है तो फिर ये वर्ब के बाद क्यों लगाते, बेटा वर्ब के साथ तो आती है, ही गोज टू स्कूल, गोज वर्ब है तो टू भी तो है, लेकिन वो रिलेशन गोज का नहीं दे रही, वो रिलेशन ही और स्कूल का दे रही है, ही किधर, स्कूल, ही स्कूल की तरफ है, वो ही और स्कूल का रिलेशन दे रही है, देखो ही गोज टू स्कूल, टू इज पुट बिफोर अ स्कूल, स्कूल इज अ नाउन बिफोर अ प्रेपोजिशन नाउन, और उसका ही से रिलेशन दे रही है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो ऑफ जो है थेफ्ट, थेफ्ट और ही का रिलेशन दे रहा है, किसने किया थेफ्ट, ही ने, अक्यूज किस पर है, ही पर, तो रिलेशन थेफ्ट और ही का है, थेफ्ट एक नाउन है, चोरी, ठीक है जी, थीफ भी नाउन है, थेफ्ट भी नाउन है, मेरी बात समझ आ गई जी, चोर और चोरी दोनों, हाँ चोरी करना जो होता है वो स्टील वगैरह करना वो आपका हो सकता है जी। आगे बढ़ते हैं हम, आई डू होप कि आपको प्रेपोजिशन भी प्रॉपर समझ आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं सबसे, आप लोगों ने जवाब देना है, कई बच्चे जो है वो लेट भी आए, सब बच्चे नहीं होते, ही केम इन, इन क्या है, प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है, ही केम इन, बोले जी माइक भी ऑन कर सकते हैं आप लोग, ही केम इन, इनामुल्ला भाई, ही केम इन, आई थिंक इन एडवर्ब यहां पे यूज हो रहा है, यस इन इज एन एडवर्ब हियर। केपीके में कैसा मौसम है चल रहा है जी आजकल, हमारे तो बड़ा रेनी सीजन चल रहा है बाकी कंट्री में, सर यहां भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा दैट्स रियली गुड, हमारे तो काफी दिनों से मुसलसल रेन्स हो रही हैं जी, एंड अच्छा थोड़ा सा गैप आता है फिर रेन, तो अच्छा मौसम चल रहा है, अल्लाह लेकिन रहमतों की बारिश रखे, चलिए दैट्स रियली गुड। इन वेरी गुड, वेरी गुड इनामुल, आपने बताया इन जो है वो बेसिकली एक एडवर्ब है, यहां प्रेपोजिशन ही है, ही केम इन, इन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये किसी नाउन, दो नाउन पर नाउन का रिलेशन तो दे ही नहीं रहा, ही केम इन, केम वेयर इन, केम इन वर्ब क्वालिफाई हुआ है, इन इज एन एडवर्ब, तो लफ्जों की शक्लें नहीं देखनी जी, उनके हमने फंक्शन देखने। आगे बढ़ते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच ले जी, ये असल में एक तस्वीर है जिसमें आपको डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज आ रहा है, इन दो लोगों में इस बंदे का इस दरवाजे के साथ रिलेशन आ रहा है, थ्रू द डोर ये गुजरेगा, बाय द डोर आके खड़ा होगा, अंडर द डोर ये अगर नीचे आ जाए जैसे, और इन द डोर ये मौजूद है इस वक्त, तो ये मुख्तलिफ रिलेशन बन रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे प्रेपोजिशन की करेक्शन करनी है हमने बकायदा तौर पर,
कंजंक्शन जी, कंजंक्शन में वर्ड जंक्शन का मीनिंग ही ज्वाइन करने वाला। जो फिजिक्स के लोग है ना, मैं चूंकि साइंसेस में एक शौक रखता हूँ, बुक्स को ना कोई साइंसेस की देखता रहता हूँ, जंक्शन ज्वाइनिंग पॉइंट को कहते हैं। फिजिक्स वालों आपने पी जंक्शन एंड जंक्शन पढ़े होंगे, क्या होते हैं वो ज्वाइनिंग पॉइंट ही होते हैं ना। तो कंजंक्शन जोड़ने वाला, तो वो सारे वर्ड जो ज्वाइन करवाते हैं वो कंजंक्शन होते हैं जी। ठीक है जी, यस मुझे इकबाल का आया जी, यस पी जंक्शन होते हैं सर। तो कंजंक्शन ज्वाइनिंग पार्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स ज्वाइन करेंगे, देखना जी ये वर्ड जोड़ है कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन कनेक्ट टू क्लॉजेज फ्रेजेज एंड वर्ड्स, ये दो लफ्जों को भी जोड़ सकते हैं, असलम एंड अकरम दो नाउन जुड़ गए। फ्रेजेज को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ही कम्स हियर इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग फ्रेज थी, एंड ने जोड़ा इन द मॉर्निंग के साथ, दो फ्रेजेज जुड़ी जी, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, दो फ्रेजेज थी, फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको एंड ने जोड़ दिया। दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, क्लॉज होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब भी हो, वो क्लॉज होती है। देखो इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं था, फ्रेजेस थी। ही कम्स एंड ही टीचस अस, ही कम्स क्लॉज है, एंड कंजंक्शन है जोड़ा है, और ही टीचस अस। तो कंजंक्शंस ज्वाइन जी, मैं कहता हूं तो ये इंग्लिश की एल्फी है जी, इंग्लिश की फेविकोल है, ये ज्वाइन करती है। तो एक मजे की चीज है, मैं आपको कंजंक्शन में जाकर सिखाऊंगा, कंजंक्शन ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, में मजाक में कहता होता हूं, ये एक ऐसी एल्फी है जो लोहे को लोहे से जोड़ेगी, कभी लोहे को प्लास्टिक से नहीं जोड़ेगी। इक्वल एलिमेंट, नाउन को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ सकती है, नाउन को वर्ब से नहीं जोड़ सकती। कभी नहीं कहना असलम एंड प्लेड, असलम एंड अकरम कह सकती है, असलम एंड ही कह सकती, प्लेड एंड स्लेप्ट दो वर्ब जोड़ गए, कभी नहीं कहना प्लेड एंड इजीली, ये क्या हो गया अभी, प्लेड इजीली तो कह सकते, एंड नहीं जोड़ सकता, दो वर्ब इजीली एडवर्ब था। तो जी मुझे आ रहे हैं सवाल, हाँ फ्रेज को क्लॉज से नहीं जोड़ सकती जी कंजंक्शन, मैंने कहा इक्वल एलिमेंट्स, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगी। क्या मैं देखो, इन द इवनिंग फ्रेज है, ही कम्स क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, ही कम्स एंड इन द इवनिंग, कितना अजीब हो गया, आपने क्लॉज को फ्रेज से एंड से कंजंक्शन से जोड़ने की कोशिश की, गलत है, तो नहीं जोड़ सकते। ठीक हो गया इकबाल, आपका आई थिंक बात समझ आ गई होगी। आयशा ने पूछा जी क्लॉज और सेंटेंस में फर्क क्या है, तो क्लॉज और सेंटेंस का फर्क बड़ा इजी है, क्लॉज के एंड पर फुल स्टॉप लगाएं सेंटेंस बन जाता है, ही कम्स फुल स्टॉप लगा दो सेंटेंस कहलाएगा, और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, ही कम्स एंड ही टीचस अस, ही कम्स एक क्लॉज, ही टीचस अस दूसरी क्लॉज, आखिरी फुल स्टॉप लगाया सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस जो है उसके एंड पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इनको हम सेंटेंस एंडर कहते हैं। जहां फुल स्टॉप आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, एक सेंटेंस एंड हो गया। अब उससे पीछे एक क्लॉज भी हो सकती है, एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकती है। ठीक है जी, तो फुल स्टॉप आते ही क्लॉज जो है वो खत्म होकर सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। चले दैट्स रियली गुड जी, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है, यस जोड़ता है, लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे कि वो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए उसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं, पर जोड़ता है वो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। मैंने अभी बोला ही कम्स एंड ही टीचस अस, दो क्लॉजेस जुड़ी हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, दो क्लॉजेस जुड़ी हैं, ये एग्जांपल नीचे दी हुई। यू विल पास, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इफ ने दो क्लॉजेस जोड़ी हैं, यू विल सक्सीड एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, यू वर्क हार्ड दूसरी क्लॉज है, दो क्लॉजेस किसने जोड़ी है, इफ ने जोड़ी है। मेरी बात समझ आ गई जी, सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या फर्क है। एक स्टेटमेंट में ज्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे एक मुजरम की स्टेटमेंट ली जाती है तो उसमें वो कई जुमले बोल सकता है, स्टेटमेंट कैन हैव सो मेनी सेंटेंसेस। इसके ऊपर बेटा डिक्शन का लेवल आ जाता है, एक बुक पूरी एक डिक्शन है, एक बुक पूरा एक डिक्शन है, उसके ऊपर का लेवल भी मौजूद है, तो सो मेनी लेवल्स आ देयर। लेकिन हम हाईएस्ट लेवल सेंटेंस को कह रहे होते हैं कि जिसके ऊपर तो बस बातें, असल लेवल का आखिरी सेंटेंस आ जाता है। लेवल्स पढ़ने हमने, हायरार्की पढ़नी है जल्दी। तो एंड, बिकॉज, बट, फार, फार कंजंक्शन भी हो सकती है, फार भी प्रेपोजिशन में देखकर आए थे ना, कहते हैं फार प्रेपोजिशन होती है, ठीक है फार प्रेपोजिशन है, माय फादर ब्रिंग्स गिफ्ट्स फार मी, तो फार प्रेपोजिशन है, फार मी फादर के साथ रिलेशन बना रहा है। लेकिन फार बिकॉज के मीनिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन के हम टाइप पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बच्चे ने पूछा कि सर इफ ने ज्वाइन किया दो कंजंक्शन को, तो इफ बेटा कंजंक्शन है, जाहिर है जो ज्वाइन कर रहा है, दो क्लॉजी ज्वाइन कर गया ना, यू विल सक्सीड यू वर्क हार्ड, दो क्लॉजी ज्वाइन कर गया तो इफ कंजंक्शन है,
भाई जो जोड़ा है, भाई जो जोड़ा है वो कंजंक्शन है, वो क्लॉजेस जोड़े, वो फ्रेजेस जोड़े, वो नाउंस जोड़े, वो वर्ब्स जोड़े, वो एडवर्ब्स जोड़े, जोड़ेगा एक जैसे एडवर्ब के एडवर्ब से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ेगा, ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, ये डन है। ऊपर देखें, ही हैड नो टिकट बट ही वेंट एनीवे, बट ने दो क्लॉजेस जोड़ी है, ही वेंट एनीवे एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ही हैड नो टिकट दूसरी क्लॉज है, बट ने दोनों क्लॉज को जोड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है? आगे क्या क्वेश्चन आ गया जी? यस सर। चलो दैट्स रियली गुड जी, थैंक यू। जमील एंड काशिफ, पहले जुमले हमने एग्जांपल नीचे से शुरू कर दी, जमील एंड काशिफ, तो जमील भी नाउन है, काशिफ भी नाउन है। नाउन्स को नाउन से या नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा प्रोनाउन की तो नाउन की जगह पर ही होता है जी, ठीक है जी। कंजंक्शन वर्ड के बाद नाउन और प्रोनाउन लाजमी आता है क्या सर? ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं, नहीं, कंजंक्शन के बाद नाउन प्रोनाउन आना जरूरी तो नहीं है। और बच्चे ये वर्ब को भी तो जोड़ सकता है, ही प्लेड एंड स्लेप्ट, अभी स्लेप्ट कोई नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, वर्ब है, ठीक है जी। ही इज हैप्पी एंड आगे मैं कह सकता हूं कि ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दो एडजेक्टिव जुड़े, हैप्पी भी एडजेक्टिव है, सेटिस्फाइड भी एडजेक्टिव है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर सेटिस्फाइड तो वर्ब है, ईडी आ गया, नो यहां एडजेक्टिव है, कौन है सेटिस्फाइड? ही की खूबी है, देखो मैं सेटिस्फाइड को कंफर्मेटिव टेस्ट में भी रखता हूं, अ सेटिस्फाइड बॉय, अ सेटिस्फाइड मैन, तो सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है। हमने फंक्शन देखना है, अगर तो वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी देगा तो सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है, हमारी तरफ से वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर एडजेक्टिव हो सकती है जी, कोई इशू नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर भी आईएनजी फॉर्म को कहते हैं एडजेक्टिव हो सकती है, तो ही सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है, एंड हैप्पी, तो ही है ना सेटिस्फाइड, ही की क्वालिटी दी है, तो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दो एडजेक्टिव जुड़ गए। देखो मैंने आपका सेटिस्फाइड की एग्जांपल से, लेकिन सेटिस्फाइड को वर्ब भी यूज किया जा सकता है, ही सेटिस्फाइड मी, उसने मुझे जो है वो सेटिस्फाई किया, ही सेटिस्फाइड मी, तो सेटिस्फाइड वर्ब है वहां, क्योंकि यहां उसका एक्शन है। आई डू होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, यही तो बेसिक्स कर रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन आएगी तो करेक्शन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी तो करेक्शन कैसे करेंगे? मुझे पता ही नहीं होगा यहाँ ये एडजेक्टिव है तो मैं एडजेक्टिव का रूल कैसे अप्लाई करूंगा, मुझे पता लगना चाहिए अच्छा ये एडजेक्टिव है यहाँ, मुझे पता लगना चाहिए अच्छा यहाँ ये वर्ब है, मुझे पता लगना चाहिए यहाँ यहाँ ये नाउन है, देन आई वुड अप्लाई द रूल ऑफ नाउन, मुझे पता नहीं ये नाउन है तो मैं नाउन का रूल ही नहीं अप्लाई करूंगा, मैं तो वर्ब का रूल अप्लाई करता रह जाऊंगा, मैं सोचते रह जाऊंगा रूल वहां नाउन का आना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई अच्छा ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, देन मैं उस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली उसका रूल अप्लाई कर दूंगा और अपनी करेक्शन कर लूंगा। ये सब याद रखेंगे, याद नहीं रखने सीखने, आठ तो डेफिनेशन है भाई, आठ डेफिनेशन याद हो रही तो बच्चे सीएसएस कहां से करना है, पीएमएस कहां से करना है, अपने अपने ऑफिस वर्क्स को कैसे करना है, लोग बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स भी कर रहे हैं मेरे साथ बैठे, इस किताब के साथ बैठे। तो ही वाज सेटिस्फाइड सर, इस सेंटेंस में सेटिस्फाइड क्या है? दोनों हो सकते हैं, ही वाज सेटिस्फाइड में अगर तो उसका एक्शन करवाया गया है, उस पर एक्शन हुआ है, उस पर ये एक्शन किया गया है तो सेटिस्फाइड वर्ब है, यहां दोनों हो सकते हैं, कई बार ड्यूअल फंक्शन होता है। He was satisfied अगर सिर्फ उसकी क्वालिटी है, कहो जी वो पुरसकून बैठा था, He was satisfied, I am satisfied, तो satisfied मेरी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ही की क्वालिटी आ गई। लेकिन ही वाज सेटिस्फाइड अगर उस पर एक्शन किया गया, उसको तसल्ली कराई गई, कहो जी सब ठीक है, सब कुछ जेन्युइन है, ही वाज सेटिस्फाइड, तो आपका वो, जैसे मैं ये डेमो क्लासेस चल रही है चंद एक शुरू की, तो असल में मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि आपको सीख भी रहे हैं कुछ ना कुछ, आई डू होप यू वुड बी सेटिस्फाइड, और आपको इससे बहुत ज्यादा आगे सीखना है इंशाल्लाह, तो शुरू से आ जाए साथ जल्दी से ताकि आप लोग आगे सीख सके, क्योंकि फिर ब्लॉक हो गया तो काम मुश्किल हो जाएगा। ओके, इंटरजेक्शन हमारा आ गया जी, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। बच्चा पूछ रहा है जी, अस्सलाम वालेकुम, सर अरसलम एंड अकरम कनेक्टिंग टू नाउंस। बेटा देखो, एंड में असलम, एंड अकरम में एंड, असलम और अकरम का कोई रिलेशन नहीं दे रहा। अच्छा, असलम एंड अकरम, अकरम और असलम में कोई रिलेशन आया बोले? असल में वो बच्चा ना प्रेपोजिशन की डेफिनेशन अप्लाई करी जा रहा है कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन। असलम एंड अकरम, चलो असलम इज विद अकरम, तो विद प्रेपोजिशन है कि असलम किधर है, क्या रिलेशन है असलम अकरम का? विद है, आपस में साथ साथ है, रिलेशन आ गया, विद है जी इकट्ठे। अगेंस्ट असलम है, असलम इज अगेंस्ट असलम, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, एक दूसरे के मुखालिफ है। असलम एंड अकरम, दसो रिलेशन क्या है, बोलो, बोले जी। ही एंड आई हैव स्प्लेंडेड कार्स, ही एंड आई का रिलेशन क्या आया? एंड ने कोई रिलेशन नहीं दिया, एंड ने सिर्फ जोड़ा ही और आई को। ही इज अगेंस्ट आई में हाई और आई का रिलेशन आ गया, अगेंस्ट प्रपोजिशन है कि वो उसके मेरे मुखालिफ है।
ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड अहमद, जबरदस्त। तो हमने इन डेफिनेशन को समझना है, दैट इज वाई तो आप लोगों की जूम क्लास जरूरी है, दैट इज वाई तो मैं जूम पर ले रहा हूं, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सके, आप माइक ऑन कर सके। अभी रजिस्टर्ड रूम, जब सिर्फ रजिस्टर्ड रूम रह जाएंगे फिर आप लोगों का प्योर माइक हर शायद आकर के जब मर्जी बोले। इवन मैं आप लोगों से स्क्रीन पर एनोटेट भी करवाया करूंगा कि लो जी आप स्क्रीन पर कोई लफ्ज सर्कल कर सके, ये मैं आपको इजाजत दूंगा और आप कर भी पाएंगे, लेकिन मैंने मेरे पास सारे कंट्रोल है, मैं आपको वो कंट्रोल दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। अभी मैंने वो सारे कंट्रोल डिसेबल किए हुए, आप केवल किसी लफ्ज पर, इवन आप कुछ लिख भी सकते हैं, ये आपका व्हाइट बोर्ड ही है एक तरह से, आप लिखे इसके ऊपर कोई इशू नहीं होगा। तो इंटरजेक्शन क्या होगा, लेकिन वो तब आप करेंगे, अभी तो बहुत सारे लोग वैसे भी शामिल होते हैं। इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, अचानक से जो इमोशंस आ रहे होते हैं, हुर्रा, जो अचानक से ना आई हैव पास द एग्जाम, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, याद रखिएगा। कभी हुर्रा कोई ऐसे नहीं बोलेगा आराम से, हुर्रा, हमेशा जब भी बोलेगा स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, हुर्रा। हुर्रा एक इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद जो स्ट्रॉन्ग वाली होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है, जो सडन इमोशन दे रही होती है, अलैस, अफसोस देता है, अलैस वी लॉस्ट द मैच। कभी अलैस आराम से नहीं बोलेंगे, अलैस जब भी बोलेंगे इमोशंस के साथ बोलेंगे, अलैस। तो ये जो वर्ड, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, अलैस का मीनिंग कोई नहीं है, हुर्रा का मीनिंग कोई नहीं है, वाओ का मीनिंग कोई नहीं है, ये एक सिचुएशन पर बोले जाते हैं और इमोशंस को शो करते हैं। वाओ पता है, हैरानगी को शो करा, वाओ इट्स ऑसम। तो ये इंटरजेक्शंस होती है, दे शो सडन इमोशंस। तो ये अपना मीनिंग तो नहीं रखती, लेकिन किसी ना किसी मौके पर वो इमोशन आपका हैरानी में हो सकता है, दुख में हो सकता है, बेपना खुशी में हो सकता है, ठीक है जी, गुस्से में हो सकता है। तो वो ये वो सारे वर्ड्स आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। क्या कुछ पूछना चाह रहा है जी कोई? ओह गुड, यस, इंटरजेक्शन है, ठीक है। ओह गॉड, ओह ओह आपकी इंटरजेक्शन है, ओह दैट्स रियली गुड जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हमने एक्सरसाइज आज ही करनी, इधर ही करना चाह रहा हूँ आपको, उसकी लहर आ जाएगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज में ना जो व्हाट आ है वो असल में इंटरजेक्शन है, व्हाट आ। लेकिन ये एक पूरे का पूरा जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये आपका पूरे का पूरा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये सेंटेंसेस की काइंड्स भी आ रही हैं जी आगे, बहुत जल्द आ रही है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस की काइंड है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वो होते हैं जो आप इमोशंस दे, वो जो जज्बात का इजहार करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, सेंटेंस क्यों कह रहा हूं, एंड पर आपने जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दिया है और सब्जेक्ट वर्ब भी मौजूद है, तो वो पूरा एक सेंटेंस है। बेटा कोई, मैंने बोला कि अच्छा, उसने कोई सर कुछ बार इंटरएक्टिव वर्ड भी इंटरजेक्शन हो सकती है, मैंने बोला लफ्जों की शक्लों पर तो जाना ही नहीं। हु एक प्रोनाउन भी है, हु इज एट द डोर, तो हु असलम है, तो असलम की जगह पर हु यूज किया, हु प्रोनाउन, हु इंटरजेक्शन, और क्या नाम लेते हैं इसका, दोनों का रोल प्ले कर सकता है प्रोनाउन का, हु। बहुत ही ज्यादा आप हैरानी परेशानी से कह रहे, आप उसको एक इंटरजेक्शन का रोल भी दे रहे, ठीक है जी, व्हाट, ठीक है, व्हाट एक इंटरजेक्शन होगा, अगर आप व्हाट बोले ऐसे, व्हाट इट कैन बी एन इंटरजेक्शन। हमने लफ्जों के फंक्शन देखने, माय डियर, यही तो शुरू से बताया, सूरते नहीं देखनी, सीरते देखनी है, फंक्शन देखनी, और यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो ये ओवरलैप करते हैं, एक लफ्ज कई की कैटेगरीज में आता है अकॉर्डिंग टू यूसेज। हु वोन द मैच में हु प्रोनाउन है जी, जुबैर, जुबैर नहीं, आई थिंक जरीशा, सॉरी जरीशा बच्चे, डियर पार्टिसिपेंट, तो हु वहां पर नाउन है, हु वॉन द मैच, हु असलम वॉन द मैच, उसकी जगह पर आया जी। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास जो है वो ये रूल्स तो हुए खत्म, लो जी एक क्वेश्चन और आ गया, हमने एक्सरसाइज करनी जी, इसके फौरन बाद व्हाट के फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा जी। आप अकेला व्हाट यूज कर रहे हैं तो लगाए जी, व्हाट लगा दें। और आपको मजे की चीज बताऊं, आप जब राइटिंग स्टाइल सीखेंगे, आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क इन इस तरह की जगह पर इकट्ठा भी लगा सकते हैं, और मैं आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स की एग्जांपल्स भी दूंगा। जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि आपका इमोशंस भी दे रहा हो स्ट्रॉन्ग और क्वेश्चन भी पूछ रहा हो, तो यू कैन पुट बोथ बोथ मार्क्स, इवन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क, बोथ कैन बी पुट अलोंग विद। आपको बहुत सारी बुक्स में से आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, व्हाट के बाद आप दोनों लगा सकते हैं, पर यूजली फिर दोनों आए तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पहले और क्वेश्चन मार्क उसके बाद में आ रहा होता है।
आते हैं जी, एक्सरसाइज करते हैं। माइक ऑन करें जी, मैं सबके माइक ऑन करने जा रहा हूँ खुद भी, लेकिन आपको मैंने इजाजत वैसे दी हुई है, माइक ऑन कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जी, इकट्ठे करेंगे। आपका वो जो कल वाली एक्टिविटी थी सॉल्व की थी आपने, मैंने उसकी वीडियो बना ली है जी, लेकिन मेरे कुछ ऑनलाइन लेक्चर ज्यादा थे, एंट्रेंस टेस्ट क्लासेस चल रही हैं आजकल क्योंकि एंट्री टेस्ट होने वाले हैं, तो वो क्लासेस भी ऑनलाइन में काफी सारी पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज वाई जो है वो टाइम नहीं लग पाया, लेकिन वीडियो बनी पड़ी है वो अभी इस लेक्चर के बाद में वीडियो, बल्कि पहले वो प्रैक्टिस वाले वीडियो की सेंड करूंगा ताकि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कल का टॉपिक था उसकी जो अपनी प्रैक्टिस मैंने कहा था खुद करनी है आपको, उसकी वीडियो आ जाएगी, ताकि पहले आपने सही आंसर देख लें कि वही लगे। सिर्फ 12 मिनट की वीडियो बनाई है ताकि बच्चे आसानी से अपने आंसर सिर्फ देख लें। ये भी मुझे बताएं कि इधर सॉल्व करने हैं कि इसकी भी आपको खुद करेंगे और इसकी मैं आपको वीडियो सेंड करूं बाद में बना के, 10 ये वीडियो सारी 5-6 मिनट की बननी है क्योंकि सारे 6 जुमले, और इसे हमने हर वर्ड की कैटेगरी बनानी है, जैसे दे प्रोनाउन है, सोल्ड वर्ब है, एन आपको पता आर्टिकल और आर्टिकल्स होती है एडजेक्टिव है जी, तो एन एडजेक्टिव है, ओल्ड कार, कार नाउन है तो ओल्ड एडजेक्टिव हुआ ना, जो नाउन की खूबी दे रहा है वो एडजेक्टिव है। आपने सारे वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच बताने, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अहम है जी, आपके ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए। बच्चों मुझे एक चीज बताएं जल्दी से, आपके मैसेजेस में वेट कर रहा हूं या माइक ऑन करके, कि प्रैक्टिस अभी करनी है जी इनकी पार्ट ऑफ स्पीच की रिकॉग्निशन की, और वैसे भी लेक्चर का टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया, बल्कि आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस, बजाते खुद कीजिएगा, हम खुद ही करेंगे। हाँ मैं आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, आपने हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है कि हुर्रा क्या है, आवर क्या है, टीम क्या है, वॉन क्या है, दा क्या है और मैच क्या है, मतलब ये किस पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जी, और सारे लैंग्वेज के वर्ड्स उन 8 कैटेगरी में से किसी ना किसी वर्ड से होंगे। और मैंने जुमले क्यों दिए, ताकि आप जुमले में यूसेज से पहचाने कि जुमले में यूसेज में वॉन एज अ वर्ब यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, आवर एज प्रोनाउन यूज हुआ है कि आवर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, यस आवर को आपने फैसला खुद करना है। बेटा कल की एक्टिविटी मैंने सेंड की थी उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्टिविटी फॉरन सेंड कर दी थी पेपर के बाद, उसका जो सोल्यूशन अभी आ रहा है आपको थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में आपको सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा, सोल्यूशन 5-10 मिनट में ना हुआ तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन लाजम हो जाएगा आज सोल्यूशन अपलोड, जो कल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्टिविटी है। थोड़ी सी यहाँ भी कर ले सर, मोस्ट ऑफ टाइम में चलें ठीक है। तो बेटा आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप रिजवान साहब को अपना भेज के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में लाजम ऐड हो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो सारे हैं क्योंकि रिजवान साहब उनको लाजम इंश्योर करते हैं, नॉन रजिस्टर्ड अगर अभी हैं चंद एक दिन तो वो भी लाजम ऐड हो जाए, देन क्या नाम इसको देखेंगे। चलो एक जुमला और कर देते हैं, एक बच्चे की फरमाइश आई थी कि सर थोड़ा सा इधर और करवा दें, हुर्रा आपको पता है इमोशन को शो करता है, इंटरजेक्शन हुआ, आवर टीम, आवर दिखने में तो प्रोनाउन था पर आवर एडजेक्टिव है, टीम नाउन है तो टीम की खूबी दे रहा है, कौन सी टीम जी, आवर टीम, टीम की पोजेशन दे रहा है, आवर एडजेक्टिव है, टीम नाउन है ना, ये जो 11 प्लेयर खेलते हैं इसको क्या नाम देते हैं, टीम, जो नाम है वो नाउन है, ये मैं इस तरह आपको सारी वीडियो बना के भेजूंगा पूरी। तो वॉन वर्ब है क्योंकि हमारी टीम ने काम किया, क्या काम किया, एक्शन किया है, वॉन वर्ब है। मैंने कहा था आर्टिकल तो होती है एडजेक्टिव है ना, द आर्टिकल है, आर्टिकल से होते एडजेक्टिव है, इसको तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, कभी भी नहीं सोचना, द ओके, मैच नाउन है, एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव, मैच नाउन, तो आर्टिकल तो आता है नाउन से का साथ है, देखो पहचान आप रिलेशन से पहचानेंगे कि द अगर एडजेक्टिव है तो द तो आता है नाउन के साथ है, द बॉय, आ बॉय, बॉय नाउन था, आ बॉय, द बॉय, द मैच, मैच नाउन, आप लफ्जों को उनकी वसीनिटी से पहचानेंगे कि ये नाउन के साथ आया तो एडजेक्टिव ही है, नाउन की क्वालिटी दे रहा है, और एडजेक्टिव लगा हुआ इस लफ्ज के साथ तो ये नाउन ही है, वाइस वर्सा भी तो वही होगा ना, ये एक लफ्ज के साथ एडजेक्टिव नाउन पर नाउन की खूबी देता है तो ये इस लफ्ज के साथ लगा हुआ है तो ये नाउन पर नाउन ही हो सकता है, सिंपल इज द केस, तो मैच नाउन है पर नाउन तो नहीं है ना, मैच इज अ नाउन, द इज एन एडजेक्टिव, तो इस तरह आपने पहचानने जी खुद करने। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट दो की सिर्फ एक छोटी सी एक वीडियो होगी वो इंशाल्लाह सेंड करूंगा। तो बच्चे अल्लाह हाफिज जी, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, आप लोग सारे कामयाब रहें और बस मेहनत करते रहें। आज के इस लेक्चर को हम एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं, एंड आई एम एंडिंग दैट लेक्चर। कोई क्वेश्चन पूछना है तो 1 मिनट लगा लेते हैं जी, किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं आप सबको अनम्यूट की एक रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, वैसे किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना है आज के लेक्चर में से पूछ सकता है, एनी वन ऑफ यू, कुछ नहीं पूछना जी, लेक्चर बंद करूं फिर, मुझे लगता है कि कोई भी, चैट में 2-3 क्वेश्चन है, चैट को देख लेते हैं।
अल्लाह हाफिज सर, स्टे ब्लेस्ड। टेस्ट का टाइम क्या होगा? बेटा टेस्ट आपको सेंड हो जाएगा आपने जब फ्री हो, क्योंकि मैंने यहाँ इजी टाइम रखे। देखो वो बच्चे भी मेरे पास रजिस्टर्ड है जिन्होंने कहा कि सर हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे, आप रिकॉर्डिंग सेंड करते रहना, हम टेस्ट करते रहेंगे। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आपको ग्रुप में सेंड होता रहता है। जैसे कल भी मैंने एक्टिविटी सेंड कर दी थी टेस्ट का, बकायदा कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें जो आपकी ऑनलाइन टेस्टिंग हुआ करेगी वो जो है आपकी गूगल क्लासरूम में हुआ करेगी, और गूगल क्लासरूम में ऐड कैसे होना है वो आप लोगों को बताएंगे जी गूगल क्लासरूम में। और रिजवान साहब ने आपको बल्कि सबको गूगल क्लासरूम में ऐड करने के लिए जीमेल पर मेल कर दी हुई है, वो जीमेल पर मेल गई, वहां लिंक है ज्वाइन का, आपने ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्लासरूम के लिए वो मांगेगा कि जी आप ओके करना चाहते हैं, तो आप जैसे ओके करेंगे आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो चुके हो। तो सारे लोग गूगल क्लासरूम में लाजम एंटर हो, जो रजिस्ट्रेशन को जाएगी ये मेल सिर्फ, और बाकी को ये मेल नहीं जा रही क्योंकि गूगल क्लासरूम में टेस्टिंग होनी है और इतनी सारी टेस्टिंग मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। जितने मैं स्टूडेंट रजिस्टर करूंगा, मैंने अभी जल्द बंद कर देनी है, उतनों को ही टेस्टिंग हुआ करेगी, वरना तो बहुत ज्यादा आएंगे जी। मैं बीए प्राइवेट है एंड नाउ स्टडिंग एमए इंग्लिश रेगुलरली, सो कैन आई अपीयर फॉर सीएसएस? आप कर सकते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बंदा सीएसएस का एग्जाम दे सकता है, बट बेटर है कि आप पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करें। हाँ, साथ लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि कई साल लगते हैं जी लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट को, बहुत सारे लोग चार चार पांच पांच साल का तैयारी करके अपना सीएसएस का कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग का पेपर सही कर पाते हैं तैयार प्रॉपरली, एक एक दो दो बार फेल होकर तैयार कर रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाई आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे ताकि आप प्रॉपर कर सकें। एंड फॉर रजिस्ट्रेशन अगर आप रिजवान साहब से रब्ता करें, उनका फोन नंबर 0333-6969972, 0333-6969972। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।